Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum to all students. Again, welcome in class of computer science. Jee students, hum input devices ko discuss kar rahe hain. Input devices ke andar humne discuss kar liya what is keyboard, kya hota hai. Humne iski different keys aur iski functionality ko dekha. Uske baad humne different pointing devices ko discuss kiya. Pointing devices that control the cursors. उसके बाद हम scanning devices को discuss कर रहे हैं. Last lecture के अंदर मैंने discuss किया था barcode reader और MICR. All of these are called scanning devices. कि ये कुछ scan करती हैं with the help of light. Light की मदद से चीज़ों को हम scan करते हैं. हम कभी लाइंस को स्कैन करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द बारकोड. कभी हम जो चेक है बैंक्स के अंदर, जिस चेक को हम यूज़ करते हैं, उसके बॉटम लाइन पे जो स्पेशल करेक्टर्स हैं मैग्नेटिक इंक के साथ लिखे हुए, कभी हम उनको स्कैन करते हैं. और अब हम क्या स्कैन करने वाले हैं, आज भी हम डिफरेंट डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे जो स्कैनिंग डिवाइसेस हैं, जो स्कैन करती हैं विद द हेल्प ऑफ लाइट. तो आज हम देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट जो हमारी डिवाइस है, दैट इज़ कॉल्ड OCR, ऑप्टिकल करेक्टर रिकग्निशन. ये हमारी ऐसी डिवाइस है जो डिफरेंट करेक्टर्स को रिकग्नाइज करती है. इससे पहले जो हमने डिवाइस डिस्कस की थी, दैट नेम वाज MICR, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकग्निशन. वो क्या करती थी, हमारे चेक के नीचे जो स्पेशल करेक्टर्स प्रिंटेड होते हैं उनको रीड करती थी या रिकग्नाइज करती थी. तो हमारी ये डिवाइस आजकल इसका जो काम है यूज़ बहुत कम है, क्योंकि इसकी जगह बारकोड रीडर ने ले लिए. अब हमारे पास जो प्रोडक्ट्स आ रही हैं उनके ऊपर ये स्पेशल करेक्टर्स, या जो हमारे बिल्स आ रहे हैं उनके ऊपर ये स्पेशल करेक्टर्स प्रिंटेड नहीं हैं. आजकल उनके ऊपर जो हमारा बारकोड वो प्रिंटेड है. तो मैंने आपको लास्ट टाइम स्टूडेंट्स बारकोड दिखाया भी था कि बारकोड कैसा होता है. ये देखें, ये बारकोड है, ये बिल्कुल ऐसा होता है. और स्टूडेंट्स अगर आप ये देखना चाहते हैं कि ये स्पेशल करेक्टर्स कैसे होते हैं, तो ये देखें, ये हमारे पास कुछ स्पेशल करेक्टर्स. आप देखें कि ये बिल्कुल आम तरह से नहीं लिखे हुए, समथिंग डिफरेंट. इनकी राइटिंग भी डिफरेंट है, इनका फॉन्ट भी डिफरेंट है. तो दीज आर द करेक्टर्स जिनको हम रीड करने के लिए ये OCR, ऑप्टिकल करेक्टर रिकग्निशन डिवाइस, इसका यूज़ करते हैं. इट रीड्स प्रिंटेड करेक्टर इन पर्टिकुलर फॉन्ट. जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि ये पर्टिकुलर मखसूस फॉन्ट के अंदर ये प्रिंटेड होते हैं, एंड कन्वर्ट देम इनटू डिजिटल कोड. स्टूडेंट्स एक बात याद रखनी है, कंप्यूटर के अंदर हर चीज़, जो भी डाटा हम एंटर करते हैं, चाहे हम अल्फ़ाबेट्स एंटर करें, कंप्यूटर उनको डिजिटल कोड्स में या डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है. हम कोई नंबर्स एंटर करते हैं, उनको भी डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है. हम कोई सिंबल एंटर करते हैं तो उनको भी डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है. हम अपनी आवाज़ एंटर करते हैं, उनको भी डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है. हम अपनी इमेज उसके अंदर इनपुट देते हैं तो उसको भी डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है. इट मींस हर चीज़ को वो डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है. व्हाई? बिकॉज कंप्यूटर एक्सेप्ट बाइनरी नंबर 0 और 1 और डिजिटल सिग्नल. या तो वो बाइनरी नंबर्स को एक्सेप्ट करता है या डिजिटल सिग्नल्स को. अगर हम बात करें कि बाइनरी नंबर्स में और डिजिटल सिग्नल्स में क्या डिफरेंस है, तो स्टूडेंट्स कोई डिफरेंस नहीं. ठीक है, कैसे? अगर मैं किसी डिजिटल सिग्नल को यहाँ पे ये देखें ज़रा, अगर मैं ये देखें, ये एक मेरा डिजिटल सिग्नल है, ये इट मींस 1, 1 एंड 0. कंप्यूटर के अंदर 1 मीन के समथिंग कमिंग, लाइट या इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज कमिंग, दैट इज़ 1. फॉर एग्जांपल, आप अपने घर के अंदर जो स्विच लगा हुआ है, जब आप उसको ऑन करते हैं तो लाइट ऑन हो जाती है, इट मींस 1. जब आप उसको ऑफ करते हैं तो आपकी लाइट ऑफ हो जाती है, इट मीन 0. तो बिल्कुल यहाँ पे भी हमारा सिग्नल 0 और 1 के साथ अप्स एंड डाउन होता है, कि जब हमारे पास सिग्नल है या इलेक्ट्रिकल करंट है तो ये अप होता है,
अप है यहाँ पे डाउन है, इट मीन्स वन वन एंड जीरो। ये बिल्कुल ऐसे ही कॉन्सेप्ट है जैसे आपके घर में लाइट्स हैं और बटन्स हैं। अब जब बटन्स को ऑन करते हैं तो इट मीन्स वन, जब ऑफ करते हैं इट मीन्स वन, और इनसाइड द कंप्यूटर भी बिल्कुल वर्किंग ऐसे होती है। इस वजह से स्टूडेंट्स हर चीज़ को हम डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं, बिकॉज कंप्यूटर एक्सेप्ट बाइनरी नंबर्स, ओनली कैन अंडरस्टैंड द बाइनरी नंबर्स एंड डिजिटल सिग्नल्स। जी स्टूडेंट्स, OCR characters अपीयर ऑन यूटिलिटी बिल्स एंड प्राइस टैग्स। जैसे मैंने आपको बताया कि आजकल जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं या यूटिलिटी बिल्स हैं उनके ऊपर बार कोड प्रिंटेड है, ये आजकल इनका यूज़ बहुत कम हो गया। जी स्टूडेंट्स, उसके बाद अगर मैं बात करूँ जो सेकेंड डिवाइस है हमारी OMR, ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन। अब इसके नाम से फील हो रहा है कि ये कुछ मार्क्स को, कुछ सिंबल्स को रीड करती है। अब वो कौन सा सिंबल है? जी स्टूडेंट्स, ये हमारे लिए बड़ी इफ़ेक्टिव डिवाइस है, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए या हमारे ऐसे डिपार्टमेंट्स जो हमारा एग्ज़ाम लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल चॉइस। स्टूडेंट्स, आपने 9th के अंदर 10th के अंदर आप एग्ज़ाम दे के आएँ और यकीनन फर्स्ट 20 मिनट्स के अंदर जो आपने पेपर सॉल्व किया है, ऑब्जेक्टिव जब वो आपको मिला था तो वो यकीनन एक पेज उसके ऊपर सर्कल्स थे, वो कैसा था? जी स्टूडेंट्स, ये ऐसा वो आपका पेपर था जब 9th और 10th में आपने ऑब्जेक्टिव का पेपर सॉल्व किया था तो कुछ ऐसा था। हर क्वेश्चन के आगे आपके 4 or 5 सर्कल्स थे और उनमें से जो करेक्ट आंसर था आपने वो वाला सर्कल फिल किया था। तो ये डिवाइस आपके उन सर्कल्स को या रेक्टेंगल्स को रीड करती है और हमारे वो तमाम डिपार्टमेंट जैसे PPSC है, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, FPSC है, ये इदारे हमारे डिफरेंट जॉब्स के लिए एग्ज़ाम लेते हैं, या हमारे बोर्ड्स जो 9th, 10th, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम लेते हैं, वो बच्चों को ऑब्जेक्टिव पेपर देते हैं, तो स्पेशल किस्म की हमारी शीट होती है जिसके ऊपर हमारे सर्कल्स बने होते हैं जिनको हम फिल करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये वाली डिवाइस हमारे उन सर्कल्स को रीड करती है और वो आपको मार्क्स देती है कि 20 में से या 15 में से या 10 में से आपके कितने मार्क्स हैं। जी स्टूडेंट्स, और ये डिवाइस कैसे काम करती है? स्टूडेंट्स, ये सारी डिवाइसेस क्योंकि स्कैनिंग डिवाइसेस हैं, विद द हेल्प ऑफ लाइट ये वर्किंग करती हैं। यूज लाइट टू रीड डाटा एंड कन्वर्ट इनटू डिजिटल सिग्नल्स, वही अगेन बात, ये भी क्या करती है हमारे डाटा को विद द हेल्प ऑफ लाइट रीड करती है या हमारे उन मार्क्स को या सिंबल्स को एंड कन्वर्ट देम इनटू डिजिटल फॉर्म दैट इज एक्सेप्टेबल फॉर द कंप्यूटर। OMR डिवाइसेस डिटेक्ट मार्क लाइक सर्कल्स एंड रेक्टेंगल्स एंड स्पेशल प्रिंटेड फॉर्म। इट इज़ यूज इन मल्टीपल चॉइस टेस्ट। जी स्टूडेंट्स, डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं जिनमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पे इसका बड़ा यूज़ है और हमारे लिए बड़ी इफ़ेक्टिव। जी स्टूडेंट्स, उसके बाद देखते हैं हमारे पास मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड्स या स्मार्ट कार्ड्स। मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड्स यकीनन अगर आपकी मदर जॉब करती हैं तो उनका अकाउंट किसी बैंक के अंदर होगा और उस बैंक ने उन्हें एक ATM कार्ड प्रोवाइड किया, और यकीनन अगर आपके फादर जॉब करते हैं तो उनका भी अगर बैंक अकाउंट है तो उनके वॉलेट के अंदर भी कोई मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड या ATM कार्ड अवेलेबल होगा। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो ATM कार्ड्स हैं ये पहले मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड्स थे, मींस इनकी टेक्नोलॉजी डिफरेंट थी, लेकिन आजकल हमारे पास जो ATM कार्ड्स भी आ रहे हैं वो स्मार्ट कार्ड्स की फॉर्म में आ रहे हैं। अब मैं पहले आपको ये कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ कि मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड में और स्मार्ट कार्ड में क्या डिफरेंस होता है। स्टूडेंट्स, जो हमारा मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड होता है उसके बैक एंड पे एक टेप सी लगी होती है, जैसे जो स्पोर्ट्समैन है जो क्रिकेट खेलते हैं उनकी जो टेप बॉल के ऊपर हम टेप करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही टेप आपके प्लास्टिक कार्ड के बैक पे वो टेप लगी होती है और आपकी सारी इन्फॉर्मेशन उसमें हिडन होती है। अगर बुक पे उसकी कोई पिक्चर है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड, ये देखें स्टूडेंट्स हमारे पास ये कार्ड, ठीक है, ये वाला कार्ड, इसके बैक पे ये थोड़ी सी इसकी जो पिक्चर है वो प्रॉपर नहीं आ रही क्योंकि प्रिंटिंग की वजह से, और इसमें अगर देखें तो यहाँ पे एक चिप सी लगी हुई है। ये चिप कैसी है इसकी एग्जांपल भी मैं देता हूँ आपको।
तो स्टूडेंट्स, हमारे ऐसे प्लास्टिक के कार्ड जिनके बैक पे वो टेप सी लगी होती है, दीज आर कॉल्ड मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड्स। लेकिन आजकल इनका यूज़ कम हो गया, तमाम बैंक्स ने भी इनको वापस ले लिया। बल्कि जिनके पास ये कार्ड्स थे मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड्स, तो बैंक्स ने उनको फ्री ऑफ कार्ड्स जो स्मार्ट कार्ड्स हैं वो इशू किए हैं, ठीक है, और ये वापस ले लिए, एक्सपायर हो गए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटी के हवाले से ये इतने अच्छे नहीं थे। ईज़िली हैकर्स जो है हमारा डाटा इससे छुड़ा सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, जो मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड है अब एक्सपायर हो गए, उनकी जगह स्मार्ट कार्ड्स ने ले ली है। तो स्मार्ट कार्ड्स कैसे होते हैं, इनमें ये स्ट्रिप नहीं लगी होती बैक, इनके फ्रंट के ऊपर एक चिप सी लगी होती है। वो चिप कैसी, कभी आपने अपने मोबाइल के अंदर जो सिम आप डालते हैं उसको देखा है, वो गोल्डन सी चमक रही होती है, ठीक है। तो ये बिल्कुल ऐसी ही एक सिम की तरह की एक स्ट्रिप आप कह लें या एक सर्किट आप कह लें, वो गोल्डन सा आपको कार्ड के फ्रंट पे नज़र आता है। बल्कि आजकल तो आपका जो CNIC नादरा जो आपका ID कार्ड बना रहा है, वो भी स्मार्ट कार्ड बना रहा है, और उसके फ्रंट के ऊपर वो आपको गोल्डन सी चिप नज़र आती है। वो आम चिप नहीं है फ्रेंड्स, उसके अंदर आपका एक मिनी थिन माइक्रो प्रोसेसर भी लगा होता है, और उसके अंदर आपकी एक मेमोरी चिप भी लगी होती है। मींस आपका प्रोसेसर भी है और उसके अंदर मेमोरी भी है आपका डाटा स्टोर करने के लिए, वो कि आम चीज़ नहीं है। तो अगर हम इसको रीड करें, ये क्या है, हैज़ अ मैग्नेटिकली एनकोडेड डाटा ऑन इट्स बैक। तो स्टूडेंट्स, आपके कार्ड के बैक पे जो वो स्ट्रिप सी लगी हुई है, वो टेप सी लगी हुई है, उसके अंदर मैग्नेटिकली आपका डाटा स्टोर, ठीक है। मैग्नेटिक स्ट्रिप्स आर यूज्ड इन प्लास्टिक कार्ड्स। मैंने आपको पहले बताया कि हमारे पास प्लास्टिक के कार्ड्स होते हैं, उनके बैक पे ये टेप लगी होती है। जी स्टूडेंट्स, स्ट्रिप्स कैन स्टोर पर्सनल डिटेल। अब उसके अंदर कौन सी डिटेल है हमारी, वो हमारा नेम उसके अंदर हो सकता है, हमारे अकाउंट की इंफॉर्मेशन उसके अंदर हो सकती है, और हमारे कार्ड की एक्सपायरी डेट उसके अंदर हो सकती है। अब स्टूडेंट्स, जैसे हमने ये पढ़ा था कि हमारे बार कोड को कौन रीड करता है, जैसे ये बार कोड है, इसको कौन रीड करता है, बार कोड रीडर। तो हमारे पास इन मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड को कौन रीड करता है, जी स्टूडेंट्स, तो बैंक्स ने डिफरेंट डिपार्टमेंटल स्टोर्स को डिवाइसेस दी हुई हैं जो क्या करती हैं, इन कार्ड्स को रीड करती हैं। आप फॉर एग्ज़ाम्पल किसी अच्छे स्टोर पे जाएं, तो आपके पास अगर ATM कार्ड है तो आप देखिएगा वो उस डिवाइस में से उसको गुजारते हैं। जैसे कभी आप इंग्लिश मूवीज़ देखें तो आजकल तो उनके जो डोर्स हैं उनके पास एक कार्ड होता है, वो उस डोर के साथ एक छोटी सी डिवाइस लगी होती है, उस डिवाइस में से उस कार्ड को गुजारते हैं तो आपका डोर ओपन होता है। बिल्कुल ऐसी ही डिवाइसेस हमारे पास डिपार्टमेंटल स्टोर्स में अवेलेबल हैं, तो दीज आर कॉल्ड द कार्ड रीडर्स, हम उनको बोलते हैं जो हमारे कार्ड्स को रीड करती हैं। बिल्कुल ऐसे जैसे बार कोड रीडर हमारे बार कोड को रीड करता है। उसके बाद हम मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड से मूव कहाँ पे होंगे, स्मार्ट कार्ड्स पे, ठीक है। स्मार्ट कार्ड्स इट इज़ आल्सो कॉल्ड द अल्टरनेटिव ऑफ मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, एक चिप लगी होती है इसके फ्रंट के ऊपर ही, बिल्कुल ऐसे ही जैसे अगर आप अपने मोबाइल की सिम देखें तो जैसी चिप वहाँ पे आप गोल्डन सी नज़र आती है, यहाँ पे भी ऐसी ही चिप लगी होती है जिसके अंदर हमारा एक थिन पतला सा छोटा सा माइक्रो प्रोसेसर भी है और मेमोरी भी है, बोथ आर एम्बेडेड इन कार्ड। मतलब हमने इन दोनों को अपने प्लास्टिक कार्ड के साथ चिपका दिया, ठीक है, और दैट इज़ वेरी सिक्योर फॉर द यूज़र्स। और मैंने आपको पहले बताया कि आजकल जितने भी बैंक्स हैं उन्होंने क्या किया है कि जो भी उनके कस्टमर्स जिनके पास मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड था उन सब से वो एक्सपायर हो गया है, वापस ले लिया, और सबको स्मार्ट कार्ड्स इशू कर दिए, क्योंकि स्मार्ट कार्ड हमारे सिक्योरिटी के हवाले से ज़्यादा सिक्योर हैं। जी स्टूडेंट्स, तो ये हमारी इसके एग्जांपल्स में हमारे मोबाइल्स की जो सिम्स हैं या हमारे जो आजकल नए ATM कार्ड्स आ रहे हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स, हमारी जो स्कैनिंग डिवाइसेस हैं उनमें आपकी सिर्फ एक फैक्स मशीन जो है, आई होप कि उसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, बाकी स्कैनिंग डिवाइसेस को हमने रीड
कर ली है स्टूडेंट्स, तो ये हमारी स्कैनिंग डिवाइसेज हैं और उनकी डिफरेंट की वर्किंग भी आपने देख ली और कहाँ पे इनका यूज़ है हमने उसको भी डिस्कस कर लिया जी। स्टूडेंट्स मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।